हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं मीनाक्षी एक बार फिर से आपके सामने अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ प्रेजेंट हुई हूँ। तो चलिए फटाफट से बताइए आप सभी लोग कैसे हैं। आई होप यू आर हैप्पी एंड हेल्दी। तो चलिए इसी के साथ मैं बताती हूँ आज जिस सेशन में हम किस बारे में बात करेंगे। आज इस सेशन में हम करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्यूबर्टी नंबर 2 की बात करेंगे, जो कि है प्यूबर्टी इन अ प्यूबर्टी इज अ शॉर्ट पीरियड। तो जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने उसके पहले करेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात की थी, आज इस सेशन में हम उसके नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे, दैट इज प्यूबर्टी इज अ शॉर्ट पीरियड। तो अब हमको ये देखना है कि प्यूबर्टी को क्यों शॉर्ट पीरियड बोला जाता है, क्योंकि ये बहुत ही थोड़े समय के लिए, हम कह सकते हैं 2 to 4 ईयर्स के लिए इसका अप्रॉक्सीमेट टाइम होता है इस पीरियड का। एंड यहाँ इसमें वी आर कंसीडरिंग मैनी एंड एक्सटेंसिव चेंजेस दैट टेक्स प्लेस बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द बॉडी। एक्सटर्नली भी हम बहुत सारे चेंजेस इसमें देखते हैं और इनसाइड द बॉडी भी बहुत सारे फिजिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो और ये पीरियड जो होता है वो हम कह सकते हैं इट इज कम्स फॉर वेरी रिलेटिवली शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, जो कि मैंने पहले बताया 2 to 4 ईयर्स के लिए अप्रॉक्सीमेटली माना गया है कि होता है। चिल्ड्रेन हु पास थ्रू प्यूबर्टी इन 2 ईयर्स और लेस आर रिकार्डेड एज रैपिड मैच्योरर्स। वो बच्चे जो इस प्यूबर्टी पीरियड को दो ढाई साल में या 1-2 ईयर्स में क्रॉस कर जाते हैं, उनको हम रैपिड मैच्योरर्स बोलते हैं। वो जल्दी मैच्योर हो जाते हैं, दे बिकम एडल्ट। वाइल दोज हु रिक्वायर 3 to 4 ईयर्स टू कम्प्लीट द ट्रांसफॉर्मेशन इन टू एडल्ट आर रिगार्डेड एज स्लो मैच्योरर्स। वहीं पर अगर हम रिलेटिवली देखें कि जो बच्चे जो हैं जिनको रिक्वायरमेंट हो जाती है कि दे हैव टू पास थ्रू 3 to 4 ईयर्स एटलीस्ट टू बिकम सेक्शुअली मैच्योर और मैच्योरर्स, तो उनको हम स्लो मैच्योरर्स बोलते हैं। गर्ल्स एज अ ग्रुप अगर हम देखें तो दे टेंड टू बी मोर मैच्योर मोर रैपिडली देन बॉयज। तो उनको हम देख सकते हैं कि बॉयज की अपेक्षा गर्ल्स जो हैं वो जल्दी मैच्योर हो जाती हैं। एंड एज अ ग्रुप बॉयज को देखा गया है कि वो जो हैं थोड़ा लेट से मैच्योर होते हैं, बट देयर आर मार्क्ड वेरिएशंस विद इन ईच सेक्स ग्रुप। लेकिन ईच सेक्स ग्रुप में बहुत मार्क्ड वेरिएशंस भी देखने को मिलते हैं। ऐसा कोई एकदम फिक्स नहीं है, बट हाँ अमूमन देखा गया है कि गर्ल्स मैच्योर्स अर्ली एज कंपेयर टू बॉयज। तो जो जल्दी उस पीरियड को पार कर लेता है, दे बिकम सेक्सुअली मैच्योर अर्ली, अटेन सेक्सुअलिटी, तो वहाँ पे उसको रैपिड मैच्योरर्स बोल सकते हैं। और अगर जो बच्चे ज़्यादा समय लेते हैं उनको स्लो मैच्योरर्स बोलते हैं। तो इस तरह से है, और ये इसीलिए इसको बहुत कम समय के लिए ये पीरियड आता है लाइफ स्पैन में, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड दैट प्यूबर्टी इज अ शॉर्ट पीरियड। ये शॉर्ट पीरियड के लिए आता है। तो आई होप दैट यू विल बी गेट गुड इन्फॉर्मेशन विद दिस वीडियो। प्लीज़ अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, जो कि आपको आगे आने वाले इस सीरीज़ में और भी जानकारियाँ आसानी से मिल सकें। एंड इट रियली गोज टू बी वेरी वेरी एक्साइटेबल। सो प्लीज़ प्लीज़ आप आगे के भी सेशंस ज़रूर देखिए। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी, एनी कमेंट, प्लीज़ प्लीज़ आस्क मी टू द कमेंट बॉक्स। एंड आई विल बी बैक सून विद द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन प्लीज़ Take good care of yourself. Bye-bye.